ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बट आज बात करते हैं डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर के। इससे पहले तीन पढ़ चुके हैं, वाटर टाइप, फॉम टाइप और CO2 गैस टाइप। अभी लास्ट ट्रेडिशनल जो हमारे ट्रेडिशन में है इंडिया में, हर जगह जो मौजूद होते हैं मिलते हैं, वो चार होते हैं, उनमें से ही आखिरी है। एक और थोड़ा सा अलग नॉन ट्रेडिशनल होता है हेलोन टाइप का, उसके लिए भी कल बताएंगे। डीसीपी का मतलब फुल फॉर्म बताया था आपको, ड्राई केमिकल पाउडर। इसको ड्राई पाउडर बोलते हैं, ड्राई केमिकल बोल सकते हैं, बिल्कुल बिना केमिकल के पाउडर नहीं होते हैं। केमिकल को जिसमें डलते ही हैं। अब केमिकल कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। सबसे पहले डीसीपी पाउडर के बारे में सुनिए। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर ही है। कहीं भी आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे, किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, मॉल में जाएंगे, किसी होटल में जाएंगे, किसी भी तरह की बिल्डिंग में जाएंगे, तो आपको 70% कंप्लीट सभी तरह के एक्सटिंग्विशर से मिले। 70% सबसे ज़्यादा जो हमारा 100 में से 70% में डीसीपी टाइप का यूज़ किया जाता है। इसकी कई एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसके फायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कुछ बहुत कम है, तो इसलिए इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये हमारे सामने जो रखे हुए हैं पाउडर जो भी हैं, ये पाउडर टाइप ही है। आजकल इसको शॉर्टकट में ABC टाइप बोलने लगे हैं। क्या बोलने लगे हैं? ये इसको शॉर्टकट इधर से बोलते हैं ABC टाइप। ABC मतलब ए क्लास पे, बी क्लास पे, सी क्लास पे। बट क्या है, होता तो ये ड्राई पाउडर ही है, वो ABC के नीचे लिखा भी मिलेगा वो क्या चीज़ है। हाँ, कर सकते हैं बेटा, थोड़ा तेल खराब हो सकता है, समझ रहे हैं, खराब हो सकता है बट यूज़ तो हो ही जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ी आग है तो उस पर तो वैसे ही एक्सटिंग्विशर काम नहीं आते हैं भाई। बहुत बड़ी आग पे तो एक्सटिंग्विशर काम ही नहीं आते, तो छोटी आग को बुझाने के लिए है। मैंने आपको पहले बोला था ये फर्स्ट एड फायर अप्लायंसेज में आते हैं। किस में आते हैं? फर्स्ट एड फायर, यानी कि आग, प्राथमिक जो आग होती है उसको बुझाने का जो उपकरण होता है ना, ये उन्हीं में से एक है। अरे 4-5 किलो का है पाउडर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो का, कितनी बड़ी बुझा देगा यार। एक कोने में कहीं शुरुआत में लगी होगी तो ही बुझा पाएगा। ये आग लग के बढ़ चुकी है तो एक्सटिंग्विशर की क्या औकात है उसको बुझाने का, छोड़ो कम करके भी दिखा दे तो हो ही नहीं पाएगा। इससे तो इतनी औकात नहीं होती इनकी भाई। तो थोड़ी बहुत आग है तो वो तो तेल की भी हो तो भी बुझा ही देगा, क्योंकि तेल के ऊपर बिछ जाएगा ना, हल्का है ना, ऐसा नहीं है ये सीधा उसके अंदर डूब जाएगा सारा, हल्का है भाई। ये भी इसके ऊपर परत की तरह जम जाएगा, बिछ जाएगा पूरा तेल के ऊपर, तेल की आग भी बुझा देगा। अब रही क्लास ए की बात, तो क्लास ए तो है ही है, उसको तो बुझाएगा बुझाएगा ये। और गैस, गैस की है तो गैस की आग को कुछ चांसेस है ये बुझा देता है। कैसे कि जैसे ये हमारी गैस की पाइप है, यहाँ से वो गैस निकल रही है तो पूरी स्पीड से उसके मुँह पर ही मारेंगे ना, तो एक तो बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ निकलता है ये, है ना, बहुत तेज हवा के साथ निकलता है, तो आग के अंदर ऐसे मिक्स आग को कर देगा ना, तो चांस है कि ये बुझा सकता है। अगर बहुत बड़े पाइप से या बहुत बड़े लेवल पे नहीं चल रही है, कम है, तो देखो रोक देगा ये। अब उस गैस की वजह से जिस चीज़ में आग लगी है उसको भी बुझा देगा। और चांस तो ये भी है कि गैस के मुँह पर जो आग, बिल्कुल गैस के मुँह पर जो आग लगी है उस पर इतना सारा पाउडर एक साथ मारेंगे तो बुझ ही जाएगी वो भी, कहाँ तक भागेगी। क्योंकि एक बार हमने चला दिया इसको तो देखो गैस तो बचनी नहीं है उसमें, भले ही पाउडर बच जाए गैस तो नहीं बचेगी, तो खाली तो होना ही है ना। तो एक बार चालू कर दिया तो चला ही देंगे पूरा फिर तो। अब गैस लोकल में अगर छोटी गैस की बात करो, किसी भी तरह के सिलेंडर हो, उनका आउटलेट जो भी है जहाँ से गैस निकलती है, मेरे ख्याल से पेन भी ज़्यादा मोटा है ना, इतना भी मोटा पाइप नहीं होता है, क्योंकि ऊपर से इतना मोटा है, अंदर तो थोड़ा सा ही होता है उसमें सुराख, तो उतने में से आग कहीं लगी भी होगी तो बुझा देगा, कोई बड़ी बात नहीं, रोक सकता है, उतने लेवल में रोक लेगा वो। बड़े लेवल पे जाने के बाद क्या है, वो फिर गैस की आग नहीं होती है, वो तो फिर ब्लास्ट ही होते हैं बड़ी आग पे जाके, तो फिर कहाँ एक्सटिंग्विशर काम आएंगे। तो ये ABC सब पे चलता है। अब हम इसके बारे में बात करें, बाकियों की तरह ही जो है ना इसका बिल्कुल, ये मैंने आपको दिखा ही दिया है, ऐसा ही स्ट्रक्चर रहता है इसका भी, ठीक है ना। ये दो टाइप के होते हैं, इसे दो प्रकार के होते हैं बेटा, बात करेंगे।
उसको मैं बाद में बनाऊंगा, पहले ये लिख लेते हैं। एक तो आपका होता है CO2 गैस कार्टेज वाला, कौन सा कार्टेज तो आप जानते हैं ना, और दूसरा होता है स्टोर्ड प्रेशर, स्टोर्ड प्रेशर तो अभी देखा है तुमने, और कार्टेज वाला वो कार्टेज अपने पास रखी है, फर्क क्या है? अभी कार्टेज वाले में यहाँ पे वो कैप असेंबली रहती थी, इसमें जो है यहाँ कार्टेज लगती, इतना ही फर्क है, सिर्फ इतना ही फर्क है बेटा इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें बिल्कुल ऐसे ही सेम पाइप नीचे की तरफ होता है यहाँ तक, और इस पे से पाइप आगे जाता है। ठीक है, ये कार्टेज वाला नहीं है, ये दूसरा है, ये स्टोर प्रेशर है, खचा, ठीक है। ये बनाया हमने आपको कार्टेज वाला दिया, कार्टेज वाले का थोड़ा सा इसे अलग स्ट्रक्चर इसलिए होता है भाई क्योंकि उसमें कार्टेज लगानी होती है, तो पाइप यहाँ सीधा असेंबली में नहीं दे सकते, इसमें गैस अंदर होती है, अपन इसको दबाते हैं तो गैस रिलीज हो जाती है, इसलिए इसका जो है इनलेट जो है गैस का डायरेक्ट इसके अंदर ही दे दिया है, अच्छा ठीक है। कार्टिज छोटे में 4 किलो वाले में कितने ग्राम की रहेगी, 60 की, कितने की 60 की, और अगर 10 किलो 9 किलो वाला हो गया तो 120 ग्राम। तो ये वैसे ही काम करता है जैसे बाकी करते थे, अपन इसको दबाते हैं और यहाँ जो पिन होती है वो इसको पंचर कर देती है, पंचर करने से यहाँ से गैस जो है ना ये जो पाउडर भरा हुआ इसमें आती है और पाउडर को बाहर फेंक देती है। स्टोर प्रेशर है, स्टोर प्रेशर में बस इसको ख़त्म कर दो आप, हाँ स्टोर प्रेशर में जो है ये दूसरा हो जाता है, इसमें ऐसे नहीं दबाना पड़ता, सिर्फ अपना एक ही चीज़ होता है, सिर्फ ये होता है हमारे पास दबाने के लिए, और ये जो है पाइप सीधा नीचे और इसी में से बाहर, समझे कि नहीं? पाउडर, हाँ तो बताएंगे ना, रुकोगे तभी तो बताएंगे। तो ये दोनों समझ आ गए अलग अलग, जो CO2 गैस कास्टिंग टाइप होता है इसको हम अपने यहाँ रिफिल कर सकते हैं, ये तो पहले भी क्लास में बताया था कि जो कार्टेज टाइप होते हैं उनको हम जो है अपने यहाँ रिफिल कर लेते हैं, वो कैसे, खाली वही तो चेंज करना है अपने, पाउडर जितना खाली हुआ है, पाउडर तो पूरा बोरी इकट्ठे में आता है, 2 किलो से लेकर 20 किलो तक की 40 किलो तक की पैकिंग में आते हैं पाउडर, तो जितना रिक्वायर्ड अपने वहाँ पे होता है उतना एक बार लाके रख लेते हैं, चला दिया तो उसको कार्टेज निकाली उसमें पाउडर डाला और कार्टेज चेंज करा के खाली वाली दे देंगे, भरी वाली वहाँ से उठा लेंगे, जैसे अपने घर के सिलेंडर एक्सचेंज करते हैं, सिर्फ पहले एक बार ही उसका खर्चा लगता है कार्टेज का, उसके बाद तो खाली रिफिलिंग का खर्चा लगता है, सिलेंडर एक बार 2000 का आता है 3000 का आता है, उसके बाद तो 500-400 में भरता ही है ना, बस बिल्कुल वैसा ही होता है, खाली वाली ख़त्म हो गई जाके वो दे दी और वहाँ से वो रख लेगा दूसरी भरी हुई दे देगा, क्योंकि उसी को भरवा देगा ना अगली बार, वो किसी और के पास चली जाएगी, ऐसे ही रहता है, वो अपन खुद लगा सकते हैं। कार्टिज कैसे चढ़ती है, एंटी क्लॉकवाइज, याद है? यस सर। कार्टिज हमेशा इसकी एंटी क्लॉकवाइज चढ़ती हैं, वो क्यों चढ़ती हैं इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ। अब स्टोर्ड प्रेशर की बात करें तो इसमें ऑलरेडी गैस भरी जाती है, इसमें कार्टेज की आवश्यकता नहीं होती है, मशीन द्वारा सीधा इसके अंदर ही गैस भरते हैं, हम पंच करते हैं इसको तो वो गैस रिलीज होकर पाउडर को उबाल देती है, अब पाउडर उबलते ही इसको प्रेशर आता है तो बाहर की तरफ भाग लेता है सीधे, सिंपल है। अब स्टोर्ड प्रेशर को हम घर में रिफिल नहीं कर सकते क्योंकि कार्टेज चेंज नहीं करना है ना, स्टोर्ड प्रेशर को कार्टेज चेंज नहीं करना है, स्टोर्ड प्रेशर में क्या है
ये हटा के इधर ही मशीन लगेगी, इनलेट। जैसे बड़े सिलेंडर से छोटा सिलेंडर नहीं भरते हैं दुकानों पे, बिल्कुल वही। वो CO2 का बड़ा सिलेंडर रहेगा, उसमें से पाइप लगा के और प्रेशर वाला, और यहाँ अटैच करके उसमें से गैस भरेंगे और फिर इसको बंद करेंगे। तो ये नहीं कर सकते हम लोग, ये फैक्ट्री वाले ही कर पाएंगे, क्योंकि वो जुगाड़ मशीन सब उन्हीं के पास होता है। उनके पास अपना ये हटा के भी कुछ भी कर सकते हैं, ये अपने को नहीं देखना है कैसे, कि हम कर नहीं सकते तो अपने को कोई मतलब नहीं है। कार्टेज वाला हम चेंज कर सकते हैं। अब अगर इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, तो पहला ये क्या है, पाउडर है, बिजली पे कोई इफेक्ट नहीं होता है इसका, ठीक है। इसको किसी भी तरह की आग पे इस्तेमाल करो, एडवांटेज की हम बात करें, और ठीक है, वेट में भी हल्का ही होता है, 4-5 बाकियों की तरह ही होता है, दीवार पे टांगा जाता है, दिखाई देता है, कहीं से भी उठा सकते हैं, और कूलिंग इफेक्ट से काम कर देता है। अच्छा, ये पाउडर जो इसका होता है ना, ये हार्मफुल नहीं होता है, इसका पाउडर ना हार्मफुल नहीं है। ऐसा नहीं है कहीं चमड़ी वमड़ी पे किधर भी लग गया तो कोई दिक्कत आएगी, कुछ नहीं होगा इससे। केमिकल पाउडर ज़रूर है, लेकिन बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, हार्मलेस है। और ठीक है, सस्ता पड़ता है, सस्ता भी पड़ता है भाई, इतना महंगा नहीं होता जितना CO2 गैस वाला है। उसमें पूरा का पूरा फुल CO2 गैस भर के लाना पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ता है। इसमें क्या, थोड़ी सी गैस भरी जाती है और पाउडर जितना खाली हो उतना ही ऊपर से भरा जाता है। स्टोर्ड प्रेशर टाइप को तो चलो बाहर से भरवाना पड़ता है, लेकिन कार्टेज टाइप का तो हम लोग खुद भी भर सकते हैं, अपने आप भी भर लेते हैं, ठीक है। और ये चलने में भी कम से कम 10 फीट की दूरी तक काम कर देता है, 8-10 फीट की दूर तक चल जाता है वो। लेकिन सबसे बेस्ट बैटरी रिजल्ट के लिए अपने को आग से 4-5 फुट दूर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। बैटरी रिजल्ट अगर हमें चाहिए तो थोड़ा आग की लपट ज़्यादा हो रही है तो एक सिलेंडर से तो वैसे भी नहीं बुझेगी, सिलेंडर हमारे पास एक से ज़्यादा होना चाहिए, वो थोड़ी डिस्टेंस लेके चलना पड़ेगा उधर, फिर उधर दूर से बिखराना पड़ेगा, बारिश की तरह जाके उस पर गिरेगा तो काम करेगा, क्लियर है। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं, डिसएडवांटेज सर हमारे बता रहे हैं, ये एक बार चलाए तो पूरा खाली हो जाता है, एक बार चलाए तो पूरा खाली हो जाता है। अच्छा, इसको बहुत लंबे टाइम तक स्टोर नहीं रख सकते, बहुत लंबे टाइम तक इसको स्टोर नहीं रख सकते हैं, 1 साल के बाद चाहे हम इसको यूज़ करें ना करें रिफ़िल करना होता है इसकी। हम अभी तो कुछ सिलेंडर ऐसे भी आ गए हैं जो 2-2-4-4 साल तक भी चलते हैं, नॉन मेंटेनेंस चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जहाँ भी जो भी रखे मिलते हैं वो हमें मेंटेनेंस करना पड़ता है, 1 साल के बाद उनको रिफ़िल करना ही पड़ता है, उनका सामान सब चेक करना पड़ता है निकाल के। स्टोर्ड प्रेशर टाइप के अलावा जो गैस कार्टेज टाइप होते हैं वो हर 2-3 महीने खोल खोल के चेक करके उनका गैस वगैरह चेक करते रहना पड़ता है, ठीक है। इसकी तो डिसएडवांटेज हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, नुकसान तो बहुत कम ही है, बाकी फ़ायदा ये है इसको हम तेल की आग पर भी लगा सकते हैं, गैस की आग पर भी लगा सकते हैं, एक क्लास की जो होती है उस पर भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको चलाने का तरीका बाकियों की तरह सेम है बताएं तो, अपने दीवार से उठा के लाना है, ठीक है, दीवार से उठा के आग के पास जाना है, पाइप पकड़ के सीधा पोजीशन में आ गए और इसको हाथ से सेफ्टी पिन निकाला, पंच किया और आग पे चला दिया। अच्छा, आग थोड़ी है और आग बुझ गई है तो फिर बिना काम में इसको चलाना गलत है, लेकिन क्या करें, पंच कर दिया, रोक भी नहीं सकते हैं, वो तो पूरा खाली हो जाएगा, हम रोक सकते हैं उसको। एक तरीका है बेटा कि गैस तो खाली होएगी होएगी, देखो वो तो नहीं बचेगी, लेकिन पाउडर हमारा वैसा का वैसा बच जाएगा। पाउडर उसमें आधा बचा होगा ना, तो आग बुझ चुकी है तो हम पाउडर अपना बचा सकते हैं पूरा वैसा का वैसा, जितना उसके अंदर अभी फिलहाल बाकी है। उसके लिए आपको करना क्या है, जब आग बुझा रहे हैं वो टाइम में, आग बुझते ही ख़त्म होते ही उसमें अगर मेटेरियल बाकी है तो मुझे उसको जो है उल्टा कर देना है। क्या करना है, उल्टा करना है। अब सोचो उल्टा करने से कैसे बचेगा, ये जो है ना ये नीचे तक गया होता है, अब हम इसको उल्टा करेंगे तो पाउडर इधर आ जाएगा और गैस और सीधी बाहर। देखो जब तक गैस ऊपर है तो वो पाउडर को फेंक नीचे धकेलेगी, पाउडर इसमें से जाता रहेगा,
लेकिन जब इसको उल्टा कर देंगे तो गैस ऊपर आ जाएगी और पाउडर नीचे चला जाएगा। अब गैस ऊपर आ जाएगी तो चुपचाप इसके अंदर से निकल जाएगी, वो जितनी बची होगी पाउडर को नहीं लेके जाएगी। पाउडर का सर नीचे हैं, अरे खाएंगे उसको, खाने में डाल के पागल। अरे गधे, यूज क्या होगा, दोबारा रिफिल नहीं करना है क्या? तो जहाँ उसमें 5 किलो पाउडर डलना था, 3 किलो तो हमारा बच गया ना। 5 किलो वाले में, 4 किलो वाले में 3.5-4 किलो होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो आधा पाउडर मेरा बच गया, तो आधा ही डालना पड़ा ना उसमें मेरे को। पाउडर फ्री का थोड़े आ रहा है, पैसे का आ रहा है वो। क्या करना पड़ता है जी, किसी में भी उल्टा कर दो यार, समझे नहीं हो, साइकोलॉजी यार यूज करो। ये देखो यहाँ तक ये गैस का प्रेशर तो ऊपर रहता है ना, इसके अंदर से वो जब तक प्रेशर डालेगी जब पाउडर जाता रहेगा। हम उल्टा कर देंगे तो यहाँ पाउडर नहीं रहेगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा, और ये गैस पाउडर के अंदर से निकल के ऊपर आ जाएगी। तो वो गैस क्या करेगी, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती ना, चुपचाप पाउडर इसमें से नाली के अंदर से बाहर जाके रिलीज हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब गैस खाली होगी तो पाउडर हमारा अंदर ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो दोबारा जब हम रिफिलिंग के लिए भेजेंगे या उसका रिफिल करेंगे तो जो मटेरियल हमारा था वो अंदर बचा हुआ है, बाकी है, थोड़ा सा और मिलाएंगे पूरा हो जाएगा, सिर्फ गैस भरना पड़ेगा। समझेगा नहीं मेरी बात को? तो अपना सिर्फ गैस का खर्चा, देखो स्टोर प्रेशर में गैस का खर्चा तो 100% बचा, हम नहीं रोक सकते। एक बार गैस खाली हो गया तो वो नहीं रुकेगा, क्योंकि लीक हो गया, हमने उसको पंच कर दिया ना, वो लीक हो गया, वो नहीं रुकेगा। अगर हम खाली भी छोड़ देंगे तब भी थोड़ा थोड़ा लीक हो गया, खत्म हो ही जाएगा वो। इसे बेटर है उसको जितना चला रहे हैं, अगर ज़रूरत है तो पूरा ही चलाना पड़ेगा, फिर तो रोकना ही नहीं है हमने, क्या पता दूसरे की जरूरत पड़ जाए, लगाते रहो उसको। लेकिन अगर आग बुझ गई है तो फिर उस माल को बचाने के लिए मैंने बोला, इन एनी केस अगर कभी ऐसा हो कि आग बुझ गया, थोड़ी सी थी, पाउडर क्यों खराब करना, उसको उल्टा कर दो, और उल्टा करके उसको एक आध मिनट के लिए रखो, कम से कम आधी मिनट भी रखेंगे तो चलेगा, 20-30 सेकेंड के लिए उल्टा कर दो, वो सब रिलीज होकर आराम से हो जाएगा, फिर उसको सीधा रख दो साइड में। मेरा पाउडर सेफ है, बस गैस भरवाना पड़ेगा, और थोड़ा पाउडर जितना खाली हुआ था बस उतना भरेगा उसके अंदर। अब समझे मेरी बात? अब बात करें तो पाउडर के अंदर केमिकल कौन से होते हैं, यही पता करना है ना अपने को, ठीक है। पाउडर के अंदर केमिकल कौन से होते हैं, नंबर एक एल्यूमिनियम सल्फेट, लिख के रखना है कि कौन कौन से होते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, और सोडियम बाइकार्बोनेट था कि क्या नाम था उसका, हाँ पोटेशियम, पोटेशियम बाइकार्बोनेट एक, लिख लो, लिखने की चीज़ें हैं भाई, फिर आगे बढ़ूंगा। पंद्रह बीस परसेंट पाउडर में जो है सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड भी मिलाया जाता है स्पेशल रिजल्ट के लिए। तो इनमें से कोई भी केमिकल आपको किसी भी पाउडर के अंदर मिला हो सकता है। कोई कोई पाउडर आप चलाएंगे ना तो वो सफ़ेद होगा, कोई भूरे रंग का होगा, और कोई जो है पीले पीले रंग में होगा। जैसे अभी मैंने निकाला ना, ये तो थोड़ा पीले रंग में है, देखो एक्सटेंशन के ऊपर गिरा हुआ है ना, ये पोटेशियम का है, ऐसे कलर होता है ना पोटेशियम का, कई तरह के होते हैं, ये चीज़ें भी आप कर लीजिए। ठीक है, बाकी जब चला के देखेंगे प्रैक्टिकल टाइम में इसको, बाकी सारी चीज़ें, कितने प्रेशर से भरा जाता है, कितने प्रेशर से खाली होता है, कितने बार का प्रेशर होता है, वो सारी चीज़ें फिर बाद में हम जो है प्रैक्टिकल के टाइम में इसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक चीज़,
मेरे हाथ में सिलेंडर आया तो मेरे को पता होना चाहिए ये सिलेंडर ऐसा है, इसको ऐसे चलाना है, इसमें क्या चीज़ है, कितना खाली करना है, कितना नहीं करना है, बेसिक चीज़ होनी चाहिए, वो अपने को मिलती है। प्रैक्टिकल में 100% जितना दे सकते हैं फिर प्रैक्टिकल में लेंगे वो चीज़ें, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के यहाँ कितना भी पढ़ाएंगे तो पूरा नहीं जाएगा। ये चीज़ें प्रैक्टिकल में बताएंगे तो खड़े खड़े वहाँ याद नहीं होंगी, इसे लिखवा दिया है, ये चीज़ें लिख के आप रखिए। तो ये आपका DCP टाइप पाउडर एक्सचेंज हो गया है, और ये ABC टाइप यूज होता है, सारी चीज़ें क्लियर। तो इसको थोड़ा पढ़ लो, समझ लो, बाकी जो कुछ चीज़ें बताएंगी चिंता मत करना, वो प्रैक्टिकल में अपन पूरी करवा देंगे, ठीक है? ओके, गुड लक। नेक्स्ट आपकी जो है सेफ्टी की क्लास में मिलते हैं।